नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 का आंसर के आने के बाद में फाइनली तौर पर आप लोग हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर आप सभी अभ्यर्थी जो ये सोच रहे थे कि सर चुनाव के बाद में रिजल्ट है वो बिल्कुल जारी हो जाएगा, अभी आप लोगों को पता है कि चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और अभी आप लोग है वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में रिजल्ट आप लोगों का कब तक आने वाला है, क्योंकि 4 जून को आप लोगों का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हो चुका है। अभी आप लोग हैं ये सोच रहे हैं कि अब किस दिन हमारा रिजल्ट है वो जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही सटीक और ऑथेंटिक अपडेट आपको बताने वाला हूं कि आखिर कितनी तारीख के बाद में आप लोगों का रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो रिजल्ट जारी होने के बाद में कितने दिन बाद में आपका फिजिकल है वो कंडक्ट होने वाला है, और इस बार आपका जो फिजिकल कंडक्ट होगा उसमें फिजिकल का प्रोसेस और कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी साथ ही नोडल एजेंसी है वो कौन रहने वाली है। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे और इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती 2024 रिजल्ट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी साथी हैं जो एसएससी जीडी के साथ में अभी जो रिक्रूटमेंट आए उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सभी कोर्सों पर 70% से ज्यादा की छूट चल रही है और सभी टारगेटेड बैच आप लोगों को मिल रहे हैं, जिसमें पूरा बैच आपको 399 रुपए में, और एसएससी जीडी 2024-25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं पूरा बैच एग्जाम तक 299 रुपए मिल रहा है। मात्र 2 दिन के लिए ऑफर दिया गया है। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो भी पूरा कोर्स, क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, पूरा स्टडी मटेरियल आपको एक साथ दिया जा रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट को लेकर। देखो आप सभी को पता है, आप सभी इंतजार कर रहे थे और इंतजार के बीच में सबसे बड़ा जो डाउट बना हुआ था वो ये बना हुआ था कि जो रिजल्ट है वो आप लोगों का चुनाव के रिजल्ट की वजह से नहीं आ पा रहा है। और अभी आपको पता है आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 4 जून को जारी हो चुका है। अभी रिजल्ट जारी हो चुका है तो अब एसएससी जीडी का रिजल्ट कब जारी होगा, एसएससी जीडी का रिजल्ट कब जारी होगा? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि मैं आपको शुरू से एक ही बात बोल रहा था कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से नहीं रुका हुआ है। आपका रिजल्ट जो रुका हुआ है वो रुका हुआ है आपके फिजिकल में जो नए बदलाव किए जा रहे हैं और जो चिप वाला सिस्टम जो लाया जा रहा है उसके लिए जो एजेंसी है उसके लिए टेंडर निकाला गया है, और टेंडर निकालने वाली पैरामिलिट्री फोर्सेज में नोडल एजेंसी आईटीबीपी है, और इस बार आप लोगों का फिजिकल का जो प्रोसेस है वो आईटीबीपी को दिया गया है। मतलब जो आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी होंगे वो भी इस आईटीबीपी की वेबसाइट पर होंगे, मेडिकल के भी इसी पर होंगे, और आपका फाइनली ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड जो फाइनल लिस्ट आएगी वो भी यहीं पर देखने को मिलेगी। अभी आप में से बहुत सारे साथी है जो सोच रहे हैं कि सर रिजल्ट आ गया, अब किस डेट तक हमारा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और आपने देख लिया होगा सभी युवाओं ने अपनी ताकत भी दिखा दी है। अभी हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो भाई देखो यहां पर 11 जून आपको पता है कि 11 जून तक अभी जो टेंडर आईटीबीपी ने जो निकाला था उसकी लास्ट डेट है, 11 जून लास्ट डेट है, और टेंडर आने के बाद बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहां पर टेंडर की लेगी, उसके बाद में जो टेंडर की ओपनिंग होगी वो कितनी तारीख होगी, मतलब फाइनली तौर पर कौन सी कंपनी आपका फिजिकल करवाएगी, उस टेंडर की ओपनिंग कितनी तारीख को होगी, तो बच्चे याद रखना 13 जून को होगी, 13 जून को ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है सही कंपनी टेंडर है वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लगातार डेट को एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब लगभग चांस है कि 13 जून को टेंडर की ओपनिंग हो जाएगी, और जिस दिन आप लोगों के टेंडर की ओपनिंग हो जाएगी उसके बाद में कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद में फिजिकल को लेकर सारी जो तैयारी होगी वो नोडल एजेंसी और जो एजेंसी ये टेंडर ले रही है वो टेंडर लेने वाली एजेंसी दोनों मिलकर पूरा फिजिकल का प्रोसेस है उसे कंडक्ट करवाने वाली है। तो भाई अगर आपने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, अभी आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि 13 तारीख को आप लोगों की टेंडर की ओपनिंग हो जाएगी और 13 के बाद में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट के 15 से 20 दिन बाद ही आपका पीटी और पीएसटी शुरू हो जाएगा। पीटी और पीएसटी रिजल्ट के कितने दिन बाद में, मात्र 15 डेज बाद में, 15 डेज, 15 से 20 दिन आप मान के चलना,
15 से 20 दिन बाद में आप लोगों का है वो फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ में शुरू कर देना, क्योंकि रिजल्ट को लेकर मैं आपको ये पहला डाउट ये था कि चुनाव की वजह से रिजल्ट है वो होल्ड हो रखा है। चुनाव का कोई इंपैक्ट नहीं था, केवल आपका जो टेंडर था वो नहीं मिल पा रहा था और उसी की वजह से रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी नहीं किया गया। बाकी रिजल्ट आपका तैयार है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, रिजल्ट बिल्कुल आपका एक ही क्लिक में तैयार हो जाता है, क्योंकि जैसे सिस्टम में आंसर की डालते हैं सभी का रिजल्ट एक साथ तैयार हो जाता है और जिनकी रैंक अच्छी है उतने 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी आपका जो रिजल्ट है वो 13 जून के बाद में कभी भी जारी हो सकता है। और भाई फिजिकल की तैयारी साथ साथ में शुरू कर देना। दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आंसर की चेक करने के बाद में आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।